हाय फ्रेंड्स माय नेम प्रिया और आप है मेरे साथ मेरे यूट्यूब पे विच इज प्रिया लीगल तो आज जो टॉपिक हम देखने जा रहे उसका नाम है फाइव तो सेक्शन तो सेक्शन 425 से लेके सेक्शन 440 तक जितने भी सेक्शन है आईपीसी में वो सारे डील करते हैं मिशिफ के साथ तो मिशिफ होता क्या है तो जैसे आप किसी की वैल्यूएबल सिक्योरिटी जला देते हैं तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी जलाने से सामने वाले को लॉस हो रहा है बट आपको कोई गेन नहीं हो रहा है तो इसी को कहते हैं हम मिशिफ मतलब आप जिसमें सामने वाले को लॉस कराते हैं बट आपको कोई गेन नहीं होता जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी जला के ही उसको लॉस कर सकते हैं आप उसकी प्रॉपर्टी का कुछ पोर्शन डिमिनिश करके भी आप उसको लॉस करा सकते हैं सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इस इसपे एक केस लॉ भी है गोपी नायक वर्सेज सोमनाथ इस केस में क्या हुआ था अक्यूज ने कंप्लेनेंट के घर की वाटर सप्लाई पाइपलाइन कट कर दी थी जिस वजह से उसको पानी आना बंद हो गया था तो जब यह मैटर कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि अक्यूज इज लायबल फॉर मिस्चिव बिकॉज ही डिमिनिश द वैल्यू ऑफ कंप्लेनेंट प्रॉपर्टी

या तो पनिशमेंट भी लेनी पड़ेगी फाइन भी भरना पड़ेगा और एनी वन ऑफ देम, ठीक है तो ये दिया है सेक्शन 426 में इसके बाद जो भी 40, 440 तक जितने भी सेक्शंस है उसमें आपको मिसचिफ बाय फायर मिसचिफ बाय एनिमल्स तो ये सारी चीजें देखने मिलेंगी जो आप पढ़ के भी समझ सकते हैं तो वो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा वेरी इजी टू अंडरस्टैंड तो आई होप आप को आज का वीडियो समझ आया होगा सो सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यू चैनल विच इज प्रिया लीगल